भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। आप सभी देशवासियों को गुरुग्राम न्यूज की पूरी टीम की तरफ से 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस है और हर कोई इसको अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। हर कोई उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिनके बलिदानों के कारण आज हम इस आजादी की फिजा में गहरी सांस ले रहे हैं। आज गुरुग्राम में इंद्रदेव की मौजूदगी में जीएल शर्मा ने एक बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस विशाल तिरंगा यात्रा के दौरान भारी बारिश होती रही, लेकिन सड़कों पर इस तिरंगा यात्रा में भीड़ कम नहीं हुई। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि स्वतंत्रता दिवस पर ये विशाल तिरंगा यात्रा गुरुग्राम के किन किन इलाकों से निकली और इस विशाल तिरंगा यात्रा के द्वारा किस तरह जीएल शर्मा ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आप लोगों को पता ही है कि कुछ ही दिनों में हरियाणा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने वाला है। उससे पहले गुरुग्राम हो या कोई अन्य विधानसभा हो, हर कोई टिकट मांगने के लिए अलग अलग तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। इसी बीच गुड़गांव विधानसभा से टिकट मांग रहे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने आज गुरुग्राम में एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। जब तिरंगा यात्रा निकलने लगी तो उससे ठीक पहले गुरुग्राम में तेज बरसात शुरू हो गई, लेकिन इस तेज बरसात के बावजूद भी देशवासियों में तिरंगे को लेकर प्यार इतना उमड़ा कि हजारों की संख्या में बाइक सवार इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और गुरुग्राम की कोर्ट पार्किंग से लेकर ये तिरंगा यात्रा गुड़गांव विधानसभा के अलग अलग हिस्सों में पहुंची। इस दौरान हजारों की संख्या में युवा जीएल शर्मा से जुड़े, उन्होंने प्यार दिखाया और तिरंगा यात्रा के द्वारा उन्होंने देश प्रेम अपना दिखाया कि किस तरह वो तिरंगे से प्यार करते हैं। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से आह्वान किया है कि वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने घर पर तिरंगा लगाए और देश की आजादी को सेलिब्रेट करें, इसीलिए आज गुरुग्राम में भी ये विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। गुरुग्राम की कोर्ट पार्किंग से विशाल तिरंगा यात्रा निकली और फिर झाड़सा चौक होते हुए सोना चौक, कबीर भवन चौक, सेक्टर 47 चौक और चिंतपूर्णी माता मंदिर तक ये विशाल यात्रा गई। इस विशाल यात्रा में गुरुग्राम से हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए, सभी के हाथ में तिरंगा नजर आया। इसके अलावा डीजे और ढोल नगाड़ों का भी इंतजाम किया गया ताकि उस पर देशभक्ति के गीत बजाए जा सके और इन देशभक्ति के गीत के बीच युवाओं ने भारत माता की जय के नारे भी बोले। इस दौरान हर कोई देशभक्ति से सराबोर होता हुआ नजर आया। तो वहीं बीजेपी की टिकट मांग रहे गुड़गांव से जीएल शर्मा ने युवाओं से आह्वान किया कि जब वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे तो वो किसी को भी परेशानी नहीं होने देंगे, साथ ही हम उन अमर बलिदानों के वीर बलिदान को भी याद रखेंगे जिनके बलिदान की वजह से आज हमारा देश आजाद है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है कि साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, उसकी ओर काम करेंगे। इतनी भारी संख्या में हमारे गुरुग्राम के जो युवा साथी आए हैं और जो नेता मंच पे हैं, मैं आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। युवा साथियों, ये जो आज हम आजादी का त्योहार मना रहे हैं, ये खुशी मना रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं मिली। कितने ही हमारे तत्कालीन समय में युवा रणबांकुरों ने अपने इस भारत देश को आजाद कराने के लिए माँ भारती की जो गुलामी की जंजीर थी उसको तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और आजादी प्राप्त करने के लिए इतने जुल्म सहे होंगे आप सोच भी नहीं सकते। आज जो हम खुले में सांस ले रहे हैं स्वतंत्र भारत में, हमको अपने अनुसार काम करने की जो आजादी मिली है,
तो सबसे पहले हम सबका फर्ज बनता है कि उन वीर शहीदों को हम सत सत नमन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गुड़गांव विधानसभा में जीएल शर्मा जब भी अपना कोई जनसंपर्क अभियान चलाते हैं उसी दौरान बरसात हो जाती है। कहीं ना कहीं इंद्रदेव भी उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और बारिश की बूंदों के जरिए वो उन पर अपना प्यार उड़ेल रहे हैं कि वो बारिश करते रहेंगे लेकिन जीएल शर्मा रुकेंगे नहीं। अब देखना होगा इंद्रदेव के साथ साथ क्या बीजेपी पार्टी का भी प्यार जीएल शर्मा को मिलेगा, क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में जीएल शर्मा को गुड़गांव विधानसभा से टिकट मिलेगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।